हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी एक बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, अपनी 3 से 4 दिन से क्लासेस नहीं हो रही थी, उसका एक ही रीज़न था, फीवर आ गया था, जिस कारण से क्लासे हमारी क्या थी, ऑफ थी। और आज से हमारी सारी क्लासें रेगुलर हो जाएंगी, हर सब्जेक्ट की, जो जो भी आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा था, जो सिलेबस में अपने दे रखा है। पीटी की बात करें या यूपी लेखपाल की बात करें, तो यूपी लेखपाल में मैथ की प्रैक्टिस सेट चल रही थी, वो आपको मैथ की प्रैक्टिस सेट भी कराई जाएगी। और अब हम पढ़ने वाले हैं आज अपने महामिशन बैच की बात करें, महामिशन बैच में मैंने आपको बताया था महामिशन बैच में क्या अपना सिलेबस रहने वाला है और उसकी शुरुआत भी कर दी थी। मैथ में कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, रीजनिंग की बात की थी कौन से टॉपिक रहेंगे, इकोनॉमिक्स की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो अपने बात करें कि एग्ज़ाम के पहले वो सारी चीज़ें आपकी कवर करा दी जाएंगी। तो जहाँ जिसमें कि मैंने आपको मैथ की बात करें, मैथ पे अपना पहला टॉपिक चला था नंबर सिस्टम, उसमें मैंने 2 से 3 लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिए। और इसी के साथ में मैंने रीजनिंग भी शुरू की थी, रीजनिंग में पहला टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया था, जिसकी हम बात करें लघु एवं बृहत की बात करें वो कंप्लीट हो गया था। और साथ ही साथ हमारा दूसरा टॉपिक शुरू हो गया था जिसका नाम था ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध की बात करें तो दूसरा अपना टॉपिक शुरू हो गया था ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में मैंने आपको कई सारी बेसिक चीज़ें बताई थी, ब्लड रिलेशन क्या होता है उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताई थी, इसमें पीढ़ियाँ किस प्रकार से आप काउंट करेंगे, क्योंकि आपको यदि पीढ़ियों के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप इसका क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने इसमें आपको ये भी बताया था कि कौन कौन सी पीढ़ियाँ आती हैं, उनको आपको किस प्रकार से लगाना है, और जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस का रोल क्या रहता है, प्लस कब लगाएंगे, माइनस कब लगाएंगे। मैंने बताया था कि पुरुषों के लिए प्लस लगाते हैं और लेडीज़ के लिए हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट ये बताया था कि आप इस चैप्टर में नाम से ये नहीं बता सकते हैं कि कौन पुरुष है कौन स्त्री है, यानी कि नाम से आप डिफाइन नहीं कर सकते कौन पुरुष है कौन महिला है। जब तक बोला नहीं जाएगा कि कौन पुरुष है कौन महिला, तो आप ये नहीं कह सकती ये पुरुष या महिला है। जैसे मैंने बोला पारुल, तो आप पारुल नाम देखते ही लड़की नहीं कह सकती, वो लड़का भी हो सकता है। तो नाम से कभी जेंडर डिफाइन नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि अब जो नाम होते हैं वो नाम कॉमन होते हैं, वही नाम लड़के के भी होते हैं, वही नाम लड़कियों के भी रखे जाते हैं, तो नाम से कभी जेंडर डिफाइन नहीं किया जाएगा। इस पॉइंट को आपको इसमें याद रखना है। तो चलिए, जो पिछली क्लास में मैंने आपको बेसिक बताया था, उस बेसिक का हम क्या करेंगे, एक बार फिर से रिविजन करेंगे और देन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे हम बात करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था यहाँ पर मैं या आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर मान लेते आप हैं, आपके ऊपर भी क्या होंगी, कुछ पीढ़ियाँ रही होंगी, और आपके बाद भी क्या होंगी, कई सारी पीढ़ियाँ आएंगी। जैसे आपके ऊपर की बात करें, आप यानी बताइए सबसे पहले आपके सिमिलर कौन कौन आता है, आपके बराबरी में कौन कौन आता है। रिलेशन में हम बात करें आपके बराबरी में कौन आता है, तो आप कहेंगे हमारी बराबरी में सबसे पहले हमारे भाई साहब आएंगे, सबसे पहले हमारे भाई साहब आएंगे, और भाई साहब आएंगे तो भाई की साहब की वाइफ भी आएंगी, तो आप कहेंगे भाभी भी आएंगी, ये हमारे रिलेशन में आएंगे, यानी हमारे बराबर होंगे। भाई की बात करें, भाभी की बात करें, या फिर हम बहन की बात करें, बहन भी हमारे सिमिलर होती है, और बहन की बात करेंगे तो यहाँ पर बहनोई की भी बात करेंगे, ये सब क्या होंगे, ये रिलेशन हमारे और आपके क्या होंगे, ये बराबर में होंगे। भाई की बात करें, भाभी की बात करें, बहन बहनोई, या कभी कभी जीजा भी लिख कर आता है, तो याद रखेंगे ये सब के सब क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। अब इसे भाई की बात करें, तो भाई में आपका खुद का भाई हो सकता है, या मामा का लड़का हो सकता है, बुआ का लड़का हो सकता है, मौसी का लड़का हो सकता है, यानी कि जितने भी प्रकार के वो भाई बनेंगे, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कजन बोलते हैं, ठीक है, तो वो सब इसमें आ जाएंगे। इसमें आपकी भाभी भी आ जाएंगी, और इसमें जब भाभी आएंगे तो आप इसमें याद रखेंगे नंद भी आ जाएंगे, ये सब आपके क्या होते हैं, ये आप सब आपके बराबर में आते हैं। तो याद रखेंगे कैटेगरी में आपको क्या करना है, 3 कैटेगरी में बांटना है, आपके ऊपर भी कुछ पीढ़ियाँ रही होंगी और आपके नीचे भी कुछ पीढ़ियाँ रहेंगी, ठीक है। तो और भी इसमें नाम होते हैं, चलिए यहाँ पर आप साला भी कह सकते हैं, साला भी क्या होता है, आपके सम्मुख होता है, साला की बात करें साला भी आप कह सकते हैं, साली भी कह सकते हैं, ठीक है, ये सब के सब आपकी बराबरी में कहीं ना कहीं रिलेशन होते हैं। अब आपके ऊपर की हम बात करें, आपके पहले किसकी पीढ़ी थी, तो आप कहेंगे हमारे पहले हमारे पिताजी की पीढ़ी थी, ठीक है।
आपके ऊपर आपसे पहले किसकी पीढ़ी थी, तो आप कहेंगे हमारे ऊपर पिताजी की पीढ़ी थी। अब पिताजी के सम्मुख कौन कौन होते हैं, यानी कि आपके ऊपर कौन कौन होंगे, जो आपके ऊपर होंगे पिताजी के सम्मुख होंगे, तो आप कहेंगे पिताजी के भाई साहब होंगे, यानी कि आपके चाचा होंगे। जब आपके चाचा होंगे तो उनकी वाइफ भी होंगी, चाची जी से बोलेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आप मौसा भी कहेंगे, और मौसा के बाद में आप मौसी कहेंगे, मौसी के बाद में आप बोलेंगे मामा, और इसके बाद आप बोलेंगे मामी, ठीक है। और आप यहाँ पर ताऊ भी बोलेंगे, ताऊ और ताई, ठीक है। ये सब के सब कहाँ पर होंगे, ये आपके तो ऊपर में आएंगे, लेकिन ये पिताजी के बराबर होंगे, पिताजी के बराबर रिलेशन में ये आएंगे, ठीक है। और भी नाम हो सकते हैं, चलिए इसके बाद में बात करें। और पिताजी के ऊपर भी क्या होंगे, तो आप कहेंगे पिताजी के ऊपर भी पिताजी की एक स्त्री होगी, यानी कि आपके वो दादा कहलाएंगे, लेकिन पिताजी के पिताजी कहलाएंगे, तो यहाँ पर एक दादा की भी स्त्री चलेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, यानी पीढ़ी, आपकी पीढ़ी के ऊपर पिताजी की पीढ़ी, और पिताजी के ऊपर की पीढ़ी दादा की पीढ़ी कहलाएगी। तो यहाँ पर कौन कौन आएंगे, तो आप बोलेंगे यहाँ पर दादा के साथ में दादी जी आएंगी, यहाँ पर दादा को बाबा भी कहा जाता है, दादा को क्या बोलेंगे बाबा, लेकिन यहाँ पर दादी को बाबी नहीं बोलना है, ठीक है, क्योंकि बाबी आपके एग्जाम में कभी नहीं लिखा होगा। दादी को दादी कहते हैं, लेकिन दादा और बाबा एक ही होते हैं। इसके बाद में और बात करेंगे, तो अब यहाँ पर आ सकता है आपका रिश्ता किसका आ सकता है, नाना का आ सकता है, और नानी का भी यहाँ पर आ सकता है। नाना नानी दादा दादी, इनकी एक कैटेगरी होती है, ये एक ही श्रेणी में होते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और इनके ऊपर यदि हम बात करें, दादाजी के ऊपर एक पीढ़ी रही होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं परदादा, क्या बोलते हैं परदादा। तो यहाँ पर भी एक सीढ़ी रही होगी, ठीक है। आपके पिताजी के पिताजी जो होंगे तो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपके परदादा, और यहाँ पर परदादा होंगे तो आप कहेंगे परदादी भी होंगी, परदादी होंगी, तो ऐसे यहाँ पर आप कह सकते हैं पर नाना भी होंगे, पर नाना, ऐसे यहाँ पर आप बोलेंगे पर नानी, ठीक है। इस प्रकार से कैटेगरी चलती रही है। अब इसके ऊपर भी क्या होती है, इसके ऊपर भी होती है, तो परदादा के ऊपर कौन से होंगे, तो आप कहेंगे इनके ऊपर भी, हालांकि आपके एग्जाम में इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप याद कर सकते हैं परदादा के ऊपर भी क्या होते हैं, इनकी भी एक कैटेगरी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेट बोलते हैं, ग्रेट वर्ड लगा देते हैं, ठीक है। ग्रेट वर्ड लगाने के बाद यही सारी चीजें हम लिख देते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में अब हम बात करेंगे, ये तो आपके ऊपर की कैटेगरी हो गई, अब इसके बाद में आपके नीचे भी कैटेगरी आएगी, यानी कि आपके जो बच्चे होंगे उनके बच्चे होंगे और उनके बच्चे होंगे, तो वो भी एक हमारी क्या होती है, कैटेगरी चलती है। तो इसके बाद में हम बात करेंगे आपके जो बच्चे होंगे, यानी कि आपका जो पुत्र होगा, उस पुत्र के समान कौन कौन से होंगे, तो आप कहेंगे आपका पुत्र होगा और पुत्री होगी, पुत्र पुत्री, इसके बाद में आपका भतीजा होगा, आपकी भतीजी होगी, भतीजा भतीजी, साथ में आपका भांजा भी इसी में आ जाएगा, भांजा की बात करें आपका आपकी भांजी भी आ जाएगी, ठीक है, आपकी भांजी भी आ जाएगी। तो आपके नीचे कौन सी कैटेगरी होगी, आपके पुत्र की, आपके पुत्री की, आपका भांजा भतीजा, ठीक है, ये सब के सब क्या होंगे, आपके नीचे वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके अलावा और जब आप पुत्र की बात करेंगे, पुत्र का जो पुत्र कहलाएगा, जो पुत्र का पुत्र कहलाएगा, वो आपसे दो कैटेगरी नीचे होगा, पुत्र का जो पुत्र कहलाएगा, तो आपको वो कौन कहलाएगा, आपका कहलाएगा वो कहलाएगा परपोता, क्या कहलाएगा, परपोता कहलाएगा, परपोता होगा यहाँ पर, और परपोता के साथ में परपोती भी होगी, ठीक है, परपोता होगा परपोती होगी, और इसे बोलेंगे नाती भी बोलेंगे, और इसे नातिन भी बोलेंगे, नाती और नातिन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि बताइए परपोता और नाती में अंतर क्या होता है, तो याद रखेंगे ये दोनों एक ही इंसान होता है, लेकिन दोनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। आपको पता है रिलेशन दो प्रकार का होता है, एक तो माता पक्ष के, एक पिता पक्ष के, ठीक है। आपका रिलेशन दो जगह से होता है, एक तो माता के पक्ष से, एक पिता के पक्ष से, तो याद रखेंगे आप ही को, यानी कि एक ही बच्चे को कहीं पर बोला जाता है परपोता और कहीं पर बोला जाता है नातिन। तो याद रखेंगे परपोता बोलते हैं जो पिताजी के पक्ष से, यानी कि आपके जहाँ पिताजी है, पिताजी के गांव में आपके जो पिताजी के पिताजी होंगे, यानी कि जो आपके दादाजी होंगे, वो आपको क्या बुलाएंगे, तो आपके जो दादाजी होंगे वो आपको परपोता बुलाएंगे, ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे।
यहाँ पर परपोता इसके भी नीचे आएगा, यहाँ पर आपको याद रखना है केवल पोता याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे जब जाएंगे तो वहां पर क्या बोलेंगे, परनाती परनातिन बोलेंगे, इसके नीचे भी एक कैटेगरी आती है, तो याद रखेंगे। तो सबसे पहले आपको पोता कहाँ पर बुलाया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा आपके दादाजी बुलाएंगे, कौन बुलाएंगे, दादाजी बुलाएंगे। लेकिन बात करें आपको नाती कौन कहेगा, तो ये आपके नाना जी कहेंगे, यानी कि नाना जी के आपको नाती बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, नाती बोला जाएगा। हालांकि हम बात करें तो अपने यहाँ सब लोग क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे अपने यहाँ सब लोग गलत बोलते हैं, क्योंकि अपने यहाँ लोग बोलते हैं वो उनका नाती है, तो नाती यहाँ पर नहीं होता है, नाती की कैटेगरी नानी के यहाँ होती है, ठीक है। हालांकि अपने रोज की बोल चाल भाषा की बात करें तो रोज की बोल चाल भाषा में हम लोग क्या करते हैं, गलत शब्द का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि नाती और नातिन की बात करें तो ये अपने यहाँ का रिलेशन नहीं होता है, ये ममान पक्ष से होता है, ननिहाल से होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आपके पुत्र का जो पुत्र होगा आपका पोता कहलाएगा, और उसका भी जो बेटा होगा, इसका जो बेटा होगा वो आपका क्या कहलाएगा, तो पोता के बाद में बनेगा परपोता, परपोता बनेगा, ऐसे यहाँ पर बनेगा परपोती बनेगा, परपोता परपोती, ऐसे यहाँ पर बनेगा परनाती बनेगा, परनाती बनेगा, और इसे बोलेंगे परनातिन बोलेंगे, परनातिन बोलेंगे, परनातिन बोलेंगे, ठीक है, नातिन बोलेंगे, परनातिन बोलेंगे, ठीक है। चलिए, जिसे आप बोलते हैं कहीं कहीं पर बोला जाता है संति पंति बोला जाता है, तो वो संति पंति यही चीज होती है, ठीक है, अलग से कुछ नहीं बोलेंगे। जो संति होता है पंति होता है, तो याद रखेंगे यही क्या होता है, ये होता है। संति को बोलते हैं क्या, बोलते हैं पोता पोती, और जो होता है हमारे पास पंति होता है वो होता है पर पोता पर पोती। तो ये कैटेगरी क्या होती है, इन कैटेगरी को आपको याद रखना है। तो चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन। इतना मैंने आपको बेसिक बताया, हालांकि पिछली क्लास में भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। अब हम शुरू करेंगे यहाँ से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। हालांकि पिछले क्लास में मैंने 4 से 5 क्वेश्चन भी कराए थे आपको, चलिए हम क्या करेंगे क्वेश्चन देखेंगे। और इस ब्लड रिलेशन की बात करें, यदि रक्त संबंध की बात करें, तो यहाँ पर 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि हमारे पास कोडिंग से संबंधित होगा, ए प्लस बी का मतलब ये होता है, माइनस बी का मतलब ये होता है। एक हमारे पास दे रखा होता है कि किसी की ओर इशारा करते हुए हम बोलते हैं, किसी की ओर क्या करते हैं, इशारा करके बोलते हैं। तीसरा हमारे पास प्रश्न बनता है जो कि अभी आवाज़ पढ़ाने वाले हैं। तो आज हम पहले टाइप की बात करें, टाइप 1 हम क्या करेंगे आज क्लियर करेंगे। तो इस ब्लड रिलेशन की बात करें, इसमें आज हम पढ़ने वाले टाइप 1 की बात करेंगे, टाइप 1 की हम आज बात करेंगे। चलिए इसमें हम बात करेंगे टाइप 1 की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है वंदना विशाल और वंदना 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 विशाल वंदना विशाल। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास से वंदना विशाल और वनीता की बेटी है, वंदना विशाल और विनीता की बेटी है, विनीता की बेटी है, की बेटी है, वंदना विशाल और विनीता की बेटी है। अमित विनीता के भाई का बेटा है, अमित विनीता के भाई का बेटा है, विनीता के भाई का बेटा है, के भाई का बेटा है। अमित के लिए वंदना कौन है, अमित के लिए वंदना कौन है, वंदना कौन है, यानी कि इसमें आपको ये बताना है कि अमित के लिए वंदना कौन है, वंदना अमित की क्या लगती है, वंदना अमित की क्या लगती है आपको बताना है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार आपको एक चीज़ याद रखना है कि जहाँ पर लेडीज़ की बात होगी वहाँ पर माइनस की यूज हम करेंगे, और जहाँ पर जेंट्स की बात होगी वहाँ पर प्लस का यूज करेंगे, यानी कि पुरुषों के लिए हम प्लस सिंबल लगाएंगे और महिलाओं के लिए माइनस सिंबल लगाएंगे, ठीक है। चलिए, तो लिखा है वंदना विशाल और वनीता की बेटी है। तो जो वंदना है यहाँ पर, वंदना वी फॉर वंदना, या पूरा भी नाम लिख सकते हैं,
ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे, वंदना। जो वंदना है ये क्या है, ये विशाल और विनीता की बेटी है, यानी कि विशाल और विनीता कहीं ना कहीं यहाँ पर होंगे, यहाँ पर विशाल भी होगा और विनीता, विशाल और विनीता, विशाल विनीता। अब बताइए विशाल विनीता की जब वंदना क्या होगी, पुत्री होगी, तो विशाल और विनीता इनकी बात करें विनीता की, तो ये कौन होंगे, तो आप कहेंगे ये होंगे हस्बैंड और वाइफ, यानी कि पति और पत्नी होंगे, दंपति होंगे। और जब भी दंपति की बात करेंगे हम, पति और पत्नी की बात करें, वहाँ पर हमेशा बराबर का चिन्ह लगा, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, बराबर केवल हम कहाँ पर लगाएंगे, कपल के बारे में लगाएंगे, और बाकी सब जगह हम एक लाइन के यूज करेंगे। तो डबल लाइन से आपको पता करना है ये दोनों क्या होंगे, इन दोनों का रिलेशन कैसा होगा, हस्बैंड और वाइफ का होगा, ठीक है। इसके बाद में लेकिन अभी आप ये नहीं कह सकते इसमें हस्बैंड कौन है वाइफ कौन है, विशाल विनीता लिखा है, आपको नाम से पता चला होगा कि विनीता यहाँ पर लड़की होगी, विशाल लड़का होगा, लेकिन अभी आप श्योर नहीं कह सकते, ठीक है। ये अपनी बोलचाल की भाषा में जो हम बोलेंगे तो विशाल को लड़का बोलेंगे और विनीता को लड़की बोलेंगे, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अब इसमें हम ये नहीं बता सकते कौन इसमें पुरुष है कौन महिला है, ठीक है। इस बात को अपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लगाना है, बस आपको याद रखना है जिसके बारे में जब तक बोला नहीं जाएगा तब तक आप ना उसे पुरुष मान सकते हैं और ना ही महिला मान सकते हैं, जब तक आपसे कहा नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें हम ये नहीं कह सकते वंदना की माता जी कौन है, वंदना के पिताजी कौन है, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। लेकिन ये क्लियर हो गया कि वंदना लड़की, ये कैसी होगी, ये लड़की होगी, वंदना लड़की होगी, कैसे पता चला, क्योंकि इसमें बोला गया साफ साफ बेटी है, और बेटी का मतलब महिला होगी, बेटी का मतलब स्त्री होगी, और स्त्री के लिए आप क्या लगाएंगे, स्त्री के लिए आप माइनस लगा देंगे, यानी कि ये क्लियर हो गया कि वंदना एक लड़की है। अमित विनीता के भाई का बेटा है, जो अमित है विनीता के भाई, विनीता के यहाँ पर जो भाई होगा, विनीता का भाई होगा, ठीक है, यहाँ पर जो विनीता का भाई होगा, और इस विनीता के भाई का बेटा है, भाई का बेटा है कौन, तो आप कहेंगे भाई का बेटा अमित है, अमित है, तो अमित जब बेटा होगा तो आप कहेंगे अमित क्या होगा, इसमें प्लस आप लगा देंगे, क्योंकि पुरुष के लिए आप क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपसे कहा गया है बेटा है, अमित के लिए वंदना कौन है, आपको बताना है कि अमित के लिए वंदना कौन, मतलब वंदना अमित की क्या लगती है, वंदना अमित की क्या लगती है। तो देखिए रिश्ता यहाँ से देखेंगे, बताइए यहाँ पर अमित के पिताजी कौन है, ये है, और पिताजी की जो बहन होगी, पिताजी की जो बहन होगी, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे माइनस मान लेंगे, इससे प्लस मान लेंगे, जो पिताजी की बहन होगी तो आप कह सकते हैं ये क्या होगी, तो इसे आप कह सकते हैं कि बुआ जी होंगी, और बुआ की जो पुत्री होगी, क्योंकि वंदना इन्हीं की तो बेटी है, तो बुआ की जो पुत्री होगी तो आप कहेंगे बहन, कौन लगेगी, बहन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बहन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसका आंसर बहन आ जाएगा। यदि आप इसे प्लस मानते हैं, यदि आप इसे प्लस मानते हैं और इससे माइनस मानते हैं, तो पिताजी के जो भाई होंगे और भाई की जो बेटी होगी तो वो भी तो बहन लगेगी, भाई की बेटी भी क्या लगेगी, आप कहेंगे बहन, तो बुआ की बेटी भी बहन लगेगी और भाई की बेटी भी बहन लगेगी। लेकिन यहाँ पर आप ये नहीं बता सकते कि कौन प्लस है कौन माइनस है, यहाँ पर विनीता लड़की है या लड़का नहीं बता सकते, विशाल लड़की या नहीं बता सकते, लेकिन हमारा आंसर फिलहाल आ जाएगा बहन से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बहन से आ जाएगा, क्योंकि बुआ की लड़की हो या फिर चाचा की लड़की हो, दोनों कौन लगेंगी, दोनों के दोनों सिस्टर लगेंगी, ठीक है, दोनों कौन लगेंगी, सिस्टर यानी कि बहन लगेंगी, तो आप अपना आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, अगला हमारे पास प्रश्न क्या दे रखा है, अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है कि प्रवीणा सुरेश की नानी है, प्रवीणा सुरेश की नानी है, प्रवीणा, प्रवीणा सुरेश की नानी है, सुरेश की नानी है, प्रवीणा कौन है, तो आप कहेंगे सुरेश की नानी है, प्रवीणा सुरेश की नानी है, सुरेश की माँ का प्रवीणा से, सुरेश की माँ का, सुरेश की माँ का, सुरेश की माँ का प्रवीणा से, प्रवीणा से
सुरेश की माँ का प्रवीणा से आपको बताना है क्या संबंध है, क्या संबंध है, क्या संबंध है, क्या संबंध है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है। आज का प्रश्न नंबर दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है कि प्रवीणा सुरेश की नानी है, सुरेश की माँ का संबंध प्रवीणा से किस प्रकार से होगा। तो देखिए बात करेंगे प्रवीणा सुरेश की नानी, मान लेते यहाँ पर सुरेश, यहाँ पर एस पास सुरेश, ये जो सुरेश है, अब यहाँ पर सुरेश लड़की है लड़का इसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता, ये सुरेश लड़का भी हो सकता है सुरेश लड़की भी हो सकती है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। आप इसमें प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है। तो सुरेश की बात करें तो सुरेश की नानी कौन है, तो आप कहेंगे प्रवीणा, यानी कि सुरेश की नानी होंगी। तो बताइए कितने स्टेप आप ऊपर जाएंगे, तो आप पहले कहेंगे सबसे पहले तो आप मम्मी के पास जाएंगे और मम्मी के ऊपर भी जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं नानी का, यानी कि आपको दो स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा। आपसे ऊपर आपकी मम्मी या पापा का कह सकते हैं कैटेगरी होगी, और उनके ऊपर जब आप जाएंगे तो दादा दादी या तो नाना और नानी की बात होगी। तो बताइए ये जो महिला होगी ये कौन होगी, तो आप कहेंगे ये नानी हो जाएंगे। किसकी, तो आप कहेंगे इसकी सुरेश की, ये सुरेश की कौन हो जाएंगी, नानी हो जाएंगी, सुरेश की नानी हो जाएंगी, ठीक है। सुरेश की माँ, और सुरेश की माँ ये है, तो सुरेश की माँ का प्रवीणा से क्या संबंध है, तो बताइए सुरेश की माँ प्रवीणा की क्या लगेंगी, तो आप कहेंगे सुरेश की माँ प्रवीणा की क्या लगेंगी, सुरेश की माँ लगेंगी प्रवीणा की बेटी लगेंगी, क्या लगेंगी, पुत्री लगेंगी, क्या लगेंगी, पुत्री, क्यों, क्योंकि ये इसकी माँ है और ये इसकी नानी है, और नानी की बेटी तो आपकी माँ होगी, तो बताइए आंसर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे आपका आंसर आ जाएगा पुत्री, क्या आ जाएगा, आपका आंसर पुत्री आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, आप इसे बिना डायग्राम के भी बना सकते थे, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है, हमारे पास अगला प्रश्न है विनीता और सीमा बहने हैं, विनीता और सीमा बहने हैं, विनीता और सीमा बहने हैं, बहने हैं, विनीता और सीमा बहने हैं, विनय निकिता के पिता, विनय, ठीक है, विनय सीमा के पिता, विनय सीमा के पिता, सीमा के पिता, सीमा के पिता की बहन का बेटा है, की बहन का बेटा है, की बहन का बेटा है, का बेटा है, ठीक है। अब आपको बताना है विनय का विनीता से क्या संबंध है, विनय का, विनय का विनीता से क्या संबंध है, विनीता से क्या संबंध है, क्या संबंध है, ये आपको बताना है। लिखा है विनीता और सीमा दो बहनें हैं, विनय सीमा के पिता की बहन का बेटा है, आपको बताना है विनय का विनीता से किस प्रकार से रिलेशन होगा। तो बात करेंगे सबसे पहले हमारे पास लिखा है विनीता और सीमा, ये दोनों बहनें, और जब दोनों बहनें होंगी तो दोनों कहीं ना कहीं महिला होंगी, दोनों लेडीज होंगी, तो बताइए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, विनीता लिखेंगे, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सीमा लिखेंगे, ये दोनों कौन होंगी, तो आप कहेंगे दोनों बहनें हो जाएंगी, दोनों माइनस लगा देंगे, और माइनस से आपको पता चला कि दोनों क्या है, बहनें हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में विनय सीमा के पिता, सीमा के पिता की बात करें, सीमा के पिता यहाँ पर होंगे, ये सीमा के पिता हो गए, सीमा के पिता की बहन और सीमा के जो पिता है इनकी बहन, तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, सीमा के पिता की बहन का बेटा है, का बेटा है, और ये बेटा कौन है, तो आप कहेंगे विनय, कौन है, विनय, और जब विनय बेटा है तो आप इस पर क्या लगा देंगे, आप इस पर लगा देंगे प्लस, क्या आप लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। बताइए यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, जैसे जैसे बोलेगा आपको उसी प्रकार से डायग्राम बनाना है।
तो विनय सीमा के पिता की बहन का बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको बताना है कि विनय का विनीता से क्या संबंध है, ये विनय जो है इस विनीता का कौन लगेगा। तो देखिए, विनय की बात करें, विनय की ये माताजी हो जाएंगी, और माताजी के भाई तो आप कहेंगे विनय के कौन हो गए, मामा हो गए, विनय के कौन हो गए, मामा। और मामा की लड़की कौन है, सीमा है, मामा की लड़की कौन है, सीमा है। तो आप कह सकते हैं कि सीमा विनय की बहन होगी, क्योंकि सीमा किसकी बहन है, विनीता की बहन है। तो जब सीमा विनीता की बहन है तो बताइए विनय की भी कौन लगेगी, बहन लगेगी। लेकिन कौन सी बहन होगी, तो आप कहेंगे ममेरी बहन होगी, क्योंकि मामा की पुत्री है। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा बहन। क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा बहन, आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई, आसान सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझेंगे। लिखा है विनीता और सीमा बहनें, यहाँ पर क्या करेंगे आप, दोनों में माइनस लगा देंगे क्योंकि दोनों लेडीज हैं। इसके बाद बोला गया जो विनय है सीमा के पिता, सीमा के पिता की बहन का बेटा है, तो सीमा की पिता का बहन का बेटा हो गया। अब आपको बताना है विनय का विनीता से क्या संबंध है, तो विनय की माता जी, और माता जी कौन है, तो आप कहेंगे सीमा के पिताजी हैं। तो बताइए पिताजी की बहन, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आएंगे माता जी, और माता जी के भाई साहब हो जाएंगे मामा, और मामा की बेटी बहन हो जाएगी, और बहन मामा की जो बेटी है वो बहन, और उसकी भी बहन होगी, तो बताइए खुद की बहन हो जाएगी। तो आप कहेंगे आपका आंसर क्या होगा, ममेरी बहन, यानी कि बहन आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम देखेंगे अगला प्रश्न हमारे पास। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, लिखा है कि केर थाना ने अपने चाचा के पिता की, केर थाना ने अपने चाचा केर थाना ने अपने चाचा के पिता की एक बेटी। चलिए अभी पर्चे और हम बाद में करेंगे, पहले हम पहला टाइप क्लियर करें, पहला जब टाइप हमारा क्लियर हो जाएगा तब हम क्या करेंगे दूसरे टाइप में आएंगे। ये हमारा टाइप नंबर दूसरा है, जब किसी तस्वीर को इशारा करके हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, पहले टाइप वन क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए और बीच में क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो। जैसे लिखा है राहुल राम, ठीक है, राहुल राम का पुत्र है, राहुल राम का पुत्र है, राम का पुत्र है, राहुल राम का पुत्र है, और नीना मिलन की पुत्री है, और नीना मिलन की पुत्री है, मिलन की पुत्री है, मिलन की कौन है, पुत्री है। ठीक है, मिलन राम की बहन है, राम की कौन है, आप कहेंगे बहन है। विमल की मिलन का कौन, बताना है कि विमल और मिमल, यानी कि आपको बताना है कि विमल की मिलन कौन है, यानी कि विमल जो है मिलन की कौन लगती है। ठीक है, चलिए तो आपको बताना है जो विमल है मिलन का कौन है, मिलन का कौन है, इनके दोनों के बीच में आपको रिश्ता बताना है। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले लिखा है राहुल राम का पुत्र है, यानी कि यहाँ पर राम होंगे, और राम का जो पुत्र होगा उसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे उसका नाम राहुल है, उसका नाम क्या, राहुल। तो ये भी क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये भी क्या होगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन अभी आप राम के बारे में कह सकते हैं, राम पिताजी भी हो सकते हैं, माता जी भी हो सकती हैं। ठीक है, चलिए लेकिन राहुल के बारे में आप श्योर है, राहुल एक लड़का है, और नीना मिलन की पुत्री है, और नीना जो है मिलन की पुत्री है। ठीक है, मिलन राम की बहन है, जो मिलन है वो कौन है, तो आप कहेंगे मिलन राम की बहन है, मिलन कौन है, तो आप कहेंगे मिलन बहन है, इसलिए आप यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे, मिलन राम की बहन है। ठीक है,
और इसके ऊपर क्या लिखा था, नीना मिलन की पुत्री है। और इससे मिलन की पुत्री कौन होगी, तो आप कहेंगे नीना, कौन होगी, नीना। और नीना है तो यहाँ पर क्या आप लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, माइनस। यहाँ पर हम आपसे दो क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, क्या लिखा है, विमल मिलन का कौन है, आपको बताना है विमल मिलन का कौन है। तो यहाँ पर विमल के बारे में आप बताइए, कहीं कुछ लिखा है क्या, तो आप कहेंगे पहले का क्वेश्चन क्या रहेगा, हम नहीं कुछ कह सकते हैं, ठीक है, डाटा अपर्याप्त है, डाटा अपर्याप्त है, अपर्याप्त है। बताइए यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं भी मिलन, कहीं पर भी विमल का जिक्र हुआ है क्या, तो आप कहेंगे इस स्ट्रक्चर में हमारे पास विमल तो कहीं है ही नहीं, और जब विमल कहीं पर होगा नहीं तो क्या उसका आप आंसर बता सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल भी आंसर नहीं आएगा। तो पहले का आंसर क्या जाएगा, डाटा अपर्याप्त है, ठीक है, डाटा अपर्याप्त है। दूसरा क्वेश्चन हमारा आपसे ये है, क्या बताइए इसमें कितने पुरुष हैं, कितने पुरुष हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए एक। कितने पुरुष हैं, एक। कौन, राहुल। राम के बारे में आप नहीं बता सकते, राम पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। अगर यहाँ पर हम पूछे तीसरा क्वेश्चन हमारे पास बताइए कि महिला कितनी है, तो आप कहेंगे महिलाएं कितनी हो जाएंगी, दो हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, दो हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, दो हो जाएंगी, क्योंकि राम को ना तो महिला में काउंट करेंगे ना ही पुरुष में, उसके बारे में जानकारी नहीं, और जिसके बारे में जानकारी नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, उस पर श्योर नहीं होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, अपर्याप्त में बोलते हैं कि ये कैसा है, अपर्याप्त है, वहां पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वहां पर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, सरस्वती और गौरी बहने हैं, सरस्वती और गौरी कौन है, बहने हैं, सरस्वती, सरस्वती और गौरी बहने हैं, सरस्वती और गौरी बहने हैं, ये दोनों सिस्टर हैं, ठीक है, गौरी का भाई सरस्वती के पिता के पिता, गौरी का भाई, गौरी का भाई सरस्वती के पिता, सरस्वती के पिता, सरस्वती के पिता से, पिता के पिता से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार से संबंधित है, ये आपको बताना है, ठीक है, किस प्रकार से संबंधित है ये आपको बताना है। तो देखिए सरस्वती और गौरी दो बहनें हैं, सरस्वती यहाँ पर सरस्वती जी, और यहाँ पर कौन है, तो आप कहेंगे गौरी, और ये दोनों कैसी, तो आप कहेंगे दोनों की दोनों माइनस में आएंगे, दोनों बहनें हैं, सरस्वती और गौरी दोनों बहनें हैं, ठीक है, गौरी का भाई, और इस गौरी का जो भाई है सरस्वती के पिता, यानी कि जो गौरी का भाई प्लस आप लगा देंगे, जो गौरी का भाई है ये सरस्वती के पिता, और सरस्वती के पिताजी यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर भी प्लस लगा देंगे, सरस्वती के पिता और इनके भी पिताजी यहाँ पर आ जाएंगे, सरस्वती के पिता से किस प्रकार से संबंधित है आपको बताना, ये कौन लगा, इनका कौन लगा। तो देखिए बात हम करेंगे, ये इनके भाई साहब है तो इनके भी भाई साहब होंगे, यानी कि आप कह सकते हैं सरस्वती गौरी ये दोनों बहनें हैं, साथ में ये जो तीसरा व्यक्ति है ये इसका कौन लगेगा, भाई लगेगा, यानी कि तीनों के कौन हो गए, भाई बहन हो गए। जब बहन के पिताजी के पिताजी, तो हमारे पिताजी के पिताजी हो जाएंगे, जो बहन के पिताजी होंगे वही तो हमारे पिताजी होंगे। तो बताइए जब सरस्वती के पिता तो आप कह सकते हैं इस लड़के के पिता हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि ये सरस्वती जी के दादाजी होंगे, तो इस लड़के के भी कौन होंगे, दादाजी होंगे, दादाजी होंगे। और आपसे पूछा गया कि बताइए से किस प्रकार से संबंधित है, ये जो लड़का है ये सरस्वती के पिता से किस प्रकार से संबंधित, तो आप कहेंगे नाती, क्या बोलेंगे आप, नाती या पोता। ऑप्शन में हमारे पास क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है हमारे पास पोता, तो आप क्या करेंगे, पोता कर देंगे, क्या आप करेंगे, पोता करेंगे, याद रखना है आपको। यदि आपसे ये पूछा जाता है कि ये व्यक्ति बताइए शिवका कौन लगेगा, तो आप कहेंगे दादा, ये दादाजी लगेंगे और ये पोता लगेगा, ये दादाजी लगेंगे और ये पोता लगेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा पोता, ठीक
ठीक है। इसके बाद में एक प्रश्न और हम देख लेते हैं इस सेशन का, इस सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये टाइप हमारा वन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको टाइप टू फिर पढ़ाएंगे। अगला हमारे पास प्रश्न क्या दे रखा है, अगला प्रश्न हमारे पास है, पुत्री औनी की बेटी है, पुत्री औनी की बेटी है, औनी की बेटी है, पुत्री औनी की बेटी है, ठीक है, और अमित औनी की भाई का, और अमित औनी की भाई का, औनी के भाई का, औनी के भाई का पुत्र है, पुत्र है, अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है, अमित के पिता का, अमित के पिता का पुनी से संबंध आपको बताना है, पुनी से क्या संबंध है, क्या संबंध है ये आपको बताना है। देखिए लिखा है पुत्री, ठीक है, क्या लिखा है, पुनी, यहाँ पर शुरुआत में क्या लिखा है, पुनी, क्या लिखा है, पुनी, पुनी औनी की बेटी है, यहाँ पर औनी है, ये एफ आर औनी यहाँ पर लिख देंगे, और औनी की बेटी कौन है, तो आप कहेंगे पुनी, और पुनी बेटी तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, और अमित औनी के भाई का पुत्र है, जो अमित है औनी, औनी के भाई, तो यहाँ पर औनी के भाई साहब आ जाएंगे, और भाई का पुत्र है, तो अमित औनी के भाई का पुत्र है, तो बताइए यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अमित आ जाएगा, और अमित एक लड़का है, तो यहाँ पर आप प्लस लगा देंगे, ठीक है, का पुत्र है, अमित के पिता, तो अमित के पिता जी हो जाएंगे, अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है, अमित के पिता का पुनी से, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन दोनों का रिलेशन आपको बताना है, इन दोनों का रिलेशन बताना है, तो अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है, यानी कि अमित के जो पिता है पुनी के कौन लगते हैं, तो बताइए ये हमारे पास ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं या भाई भाई हो सकते हैं, मान लेते ये भाई साहब है, तो भाई साहब की ये बेटी है, और भाई साहब की बेटी कौन लगेगी, तो आप कहेंगे भतीजी, कौन लगेगी, भतीजी, और मान लेते हैं अगर ये बहन है, तो बहन की जो बेटी होगी वो कौन लगेगी, भांजी, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा या तो भतीजी होगी या तो भांजी होगी, दो में से कुछ भी हो सकता है, या तो भतीजी होगी या तो भांजी, क्योंकि ए का जेंडर अभी क्लियर नहीं, ए लड़की है या लड़का है आप इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकते, ए लड़की भी हो सकती है, ए लड़का भी हो सकता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये ए लड़की है लड़की, तो यहाँ पर आंसर आपका भांजी भी हो सकता है और आपका आंसर भतीजी भी हो सकता है, याद रखेंगे ये आपके दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके दोनों आंसर हो सकते हैं, तो बात हम करेंगे, ये हमारे पास था कौन सा, तो आप कहेंगे ये हमारे पास था ब्लड रिलेशन का टाइप नंबर वन, इसमें कुल मिलाकर हम तीन टाइप पढ़ने वाले, टाइप वन हमारा क्लियर हो जाता है, आपके पेट में इससे भी आसान क्वेश्चन आएंगे, ये जो आपके अभी क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए, ये आपके कहीं ना कहीं एनडीपीसी की बात करें, एलपी की बात करें, ग्रुप डी की बात करें, आरपीएफ एसआई की बात करें, आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें, पैरामेडिकल की बात करें, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे गए, तो जब ये क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए तो आप समझ सकते हैं कि आपका एग्जाम तो पेट का है, और पेट में बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, पेट में 5 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी और 5 नंबर आपके यहीं पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लास समझ आई होगी, अब इसके बाद में हम मिलेंगे आपके अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए और साथ ही साथ इंजॉय करते रहिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।